कांग्रेसियों ने रविवार को अनुसूचित जाति विभाग के जिलाध्यक्ष मनीष कुमार गौतम के नेतृत्व में शास्त्री चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक दलित स्वाभिमान यात्रा निकाला तथा अंबेडकर चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके संबंध में कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित विभाग के जिलाध्यक्ष मनीष कुमार गौतम ने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित शोषित पिछड़ा समाज को समानता का अधिकार दिलाया व समाज में स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया और आज के ही दिन हम सभी कांग्रेस जन इसको एक पर्व के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर अनुसूचित जाति विभाग के महानगर अध्यक्ष नवीन कन्नौजिया, संदीप गोरखपुरी, स्नेहलता गौतम, संजीव सिंह सोनू, प्रेमलता चतुर्वेदी, सुभाष राय, छोटे लाल भारती, जय नारायण यादव, जेपी भारती, रामियस आदि अंश गांधी, वीरेंद्र कुमार, अंशुमन पाठक, पंकज कुमार, अजीत कुमार, रईस अहमद, अमित भारती, संतोष पासवान, जोखन पासवान, राम दुलारे, गया प्रसाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग के जिलाध्यक्ष मनीष कुमार गौतम ने कहा, मनीष कुमार गौतम, जिला अध्यक्ष कांग्रेस अनुसूचित विभाग गोरखपुर। देखिए, आज के दिन आज 29 अगस्त को सन 1947 में बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। बाबा साहब ने संविधान को बना करके इस देश के हर एक गरीब शोषित वंचित दलित पिछड़े की आवाज़ बनने के लिए बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया ताकि सबको एक बराबर का हक मिल सके, और उसी के उपलक्ष्य में और आज के दिन को हम लोग एक पर्व के रूप में मनाते हैं।